नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। देवघर से खबर है, यहां पर जस्सीडीह थाना क्षेत्र के कुमेठा स्टेडियम के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीन रहे अपराधियों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक से आए 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से मोबाइल छीनने की कोशिश की। पकड़े गए अपराधी के पास से एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। इसमें से 2 अपराधी हालांकि फरार हो गए। पुलिस फरार हो गए 2 अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर कि कैसे ये अपराधी हथियार के दम पर अब मोबाइल छीनने तक का काम करने लगे हैं। आलम यह है कि हथियार दिखाकर, जो कि आमतौर पर मोबाइल छीनते ही होते रहा है, मोबाइल स्नैचिंग होते रहा है, लेकिन अब हथियार के दम पर मोबाइल छीनने का काम भी करने लगे हैं। तीन आदमी आया था पाची लेके और एक आदमी उतर के मेरा सामान लिया दुकान में और मोबाइल लेके भागने की कोशिश किया और पकड़ लिए जाके और हल्ला किया और भीड़ जम गया और सब पकड़ा सब लोग। तब जब पुलिस आया 3 नंबर गाड़ी ले गया। खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी परमजीत का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ रहे। परमजीत, पूरा मामला जानना चाहेंगे, हुआ कैसे सब कुछ ये? जी जी पंकज, ये घटना देर रात की है। एक व्यवसाय के पास ये तीनों अपराधी एक देसी कट्टा के साथ पहुंचे हुए थे। मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी ग्रामीणों ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। हालांकि घटनास्थल पर इन लोगों की पिटाई भी की। फिलहाल 2 अपराधी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन एक अपराधी को, इसका नाम श्रीकांत यादव के रूप में बताया जा रहा है, जो मोहनपुर थाना के निवासी है, लातेसार गाँव के, वहां ये निवासी हुई स्नैचिंग मोबाइल स्नैचिंग करते हुए पकड़े गए हैं। और सूत्रों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों अपराधी फिलहाल साइबर क्राइम से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अंदरूनी ऐसा कुछ खबर सामने आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने श्रीकांत यादव को पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी परमजीत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे देवघर से, जहां पर ग्रामीणों की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से एक अपराधी को तो पकड़ लिया गया है और अब इस अपराधी के निशानदेही पर बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।